हेलो गाइस, स्पैम डिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सोनी यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहला अपडेट ये है कि सोनी एक ऐसी मूवी बना रहा है जो कि आपको चौंका देगी। आपने कभी उसका नाम तक नहीं सुना होगा, और मेरे को जब ये अपडेट पता चला तो मैंने भी आज तक सोनी यूनिवर्स में, अरे मार्वल यूनिवर्स तक में भी नाम नहीं सुना। तो सोनी एक नई मूवी बना रहा है जिसका नाम है जैकपॉट, और ये ऑफिशियली कंफर्मेशन करा ग्रीन लैंटर के राइटर ने। आपने 2011 वाली ग्रीन लैंटर तो मूवी देखी होगी, जो कि बहुत ही कमाल की थी मूवी। मुझे तो सही लगी, लोगों को बुरी क्यों लगी मुझे ये नहीं पता, शायद मैंने उस टाइम में देखी होगी ऐसी मूवी, तो इसलिए शायद मुझे पर्सनली अच्छी लगी। पर आज तक मैंने उसके बाद उसे दोबारा कभी नहीं देखा, पर मूवी अच्छी थी। तो उसके जो राइटर हैं मार्क, उन्होंने ऑफिशियली एक इंटरव्यू में रिवील कर दिया कि वो एक ऐसी मूवी पर काम कर रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जो कि सोनी यूनिवर्स की है। और उसका जैसे उन्होंने नाम रिवील करा जैकपॉट, तो लोगों ने तुरंत सर्च मारा, अरे यार ये तो मार्वल का कैरेक्टर है। तो पता चला कि वो सोनी यूनिवर्स स्पाइडर यूनिवर्स की मूवी है, और ये एक स्पिन ऑफ मूवी हो सकती है, मे बी, या ये फ्यूचर की मूवी हो सकती है। स्पिन ऑफ यानी कि वेनम से पहले की, वेनम का जो पार्ट आया था उससे पहले की मूवी बन सकती है, या फिर यानी वेनम के बाद की और मॉर्बियस के बाद की। अब चलो ये इतना कोई मैटर नहीं करता, सोनी ऑफिशियल एक मूवी बना रहा है, मार्क ने उसे कंफर्मेशन कर दिया, हम मार्वल फैंस के लिए वही बहुत बड़ी खुशी की बात है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगती है, मार्वल के पास और सोनी के पास जब इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर है तो वो नए नए कैरेक्टर को क्यों इंट्रोडक्शन करवा रहा है? तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये हो सकता है कि मार्वल और सोनी यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर पर काम करते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाय, हल्क है, वेनम है, कर्नेज है, ठीक है, केविन द हंटर है, इनके ऊपर मार्वल काम करता रहता है। पर मार्वल अब चाह रहा है, सोनी चाह रहा है कि कुछ ऐसे पुराने कैरेक्टर को निकाला जाए कॉमिक बुक से, उनके ऊपर मूवी बनाई जाए जिससे कि ये भी कैरेक्टर थोड़े पॉपुलर हों, फिर उनकी भी फ्रेंचाइज की टॉयज भी बिकें और देन मार्केटिंग हो। तो ये चीज़ हर तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर मार्वल ने एक ऐसा कैरेक्टर निकाल दिया जैकपॉट, जो कि अब उस पर काम करेगा। तो आपको बता दूं कि मैं मार्वल बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्वल सोनी यूनिवर्स अब एक ही है, और आने वाले फ्यूचर में ये सब कंबाइंड होने वाला है, तो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो ये तो हो गया कन्फर्म उसके राइटर का और मूवी का। अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में। तो क्लार्कसन एक ऐसी कह सकते हो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी हाल ही में सोनी यूनिवर्स के साथ डीलिंग करी है कि वो सोनी यूनिवर्स की एक मूवी बनाएंगी फीमेल वाली। अब ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन सी मूवी डायरेक्ट करेंगी, तो अब जो रूमर्स आ रहे हैं कि वो होगी मैडम वेब। हम मैडम वेब का जैसे ही मैंने नाम सुना मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, इसलिए कि जब मैंने एवेंजर्स एंड गेम देखी, अब आपको एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्शन क्या है? अब कनेक्शन भाई ये है कि जब मैंने एवेंजर्स एंड गेम देखी तो हमने उसमें टाइम ट्रेवलिंग देखी, डायमेंशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट सुना, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा। अब मैडम वेब भी उसी तरीके से है, जी हाँ, उनके पास भी टाइम ट्रेवलिंग की शक्तियाँ हैं, डायमेंशन में जाने की शक्तियाँ हैं, जो कि हमने स्पाइडरवर्स में देखी हैं। अब मैडम वेब की अगर ऊपर मूवी बनी तो मैडम वेब की जो ओरिजिन स्टोरी है वो वही टाइम ट्रेवलिंग की है, डायमेंशन की है। तो 100% अगर कोई भी मूवी बनेगी इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं वो कोई भी मार्वल का यूनिवर्स दिखा सकते हैं, अर्थ 616 दिखा सकते हैं, या फिर और भी कोई यूनिवर्स दिखा सकते हैं 100%। तो मैडम वेब के ऊपर जो रूमर्स आए, मैं यही चाहूँगा कि ये सच हो जाए। तो गाइस, ये कह सकते हो कि एक तरीके से हमारे आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया फ्यूचर होगा मार्वल और सोनी यूनिवर्स का। तो अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो फाइनली अगला अपडेट है टॉम हॉलैंड से रिलेटेड। अब टॉम हॉलैंड एक एक्टर है जिन्होंने स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करा था। अब हाल ही में अपडेट ये है कि मार्वल की एक टीवी सीरीज आ रही है एनिमेशन, जो कि डिज्नी प्लस पर लॉन्च होगी, व्हाट इफ की नाम की। अब उस एनिमेशन में कुछ एपिसोड ऐसे होंगे जिसमें कि हैंग पेन, जो कि शायद तीसरा या चौथा एपिसोड होगा, हैंग पेन अपने एंटमैन के कैरेक्टर के लिए टॉम हॉलैंड को पहले अपनी लिस्ट में सेलेक्ट करते हैं। जी हाँ, हमें व्हाट इफ टीवी सीरीज में ऐसा दिखाया जाएगा एपिसोड कि हैंग पेन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी शक्तियों को और अपने सूट का एक वारिस चाहिए होता है, तो वो सबसे पहले पॉल को नहीं चुनते हैं, जिन्होंने उनका एंटमैन का कैरेक्टर प्ले करा था उसको नहीं चुनते हैं, उनकी लिस्ट में टॉम हॉलैंड का नाम होता है, यानी कि पीटर पार्कर का, तो वो सबसे पहले उसे चुनते हैं और उसको ही एंटमैन बनाते हैं। एक ऐसा एपिसोड होगा व्हाट इफ सीरीज में। उसके साथ ही साथ तीसरा या चौथा एपिसोड ऐसा होगा जिसमें कि हॉकाय हमें नजर आएगा पीटर पार्कर की जगह, जी हाँ, यानी कि टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर हॉकाय का कैरेक्टर प्ले करेगा, एक ऐसा एपिसोड होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन कह सकते हो आप, दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं तो कहूँगा कि व्हाट इफ वाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनिमेशन टीवी सीरीज होने वाली है, तो देखना ज़रूर। और जितनी भी मार्वल की टीवी सीरीज होंगी वो सब हिंदी में रिलीज होंगी डिज्नी प्लस पर, इसलिए मैंने वीआईपी सब्सक्रिप्शन लिया है, ना ही मैंने कोई कह सकते हो
वाला लिया नहीं, ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं लिया मैंने। अब बात करते हैं कुछ अलग से अपडेट के बारे में। तो फाइनली क्लार्क, जो कि एक कह सकते हो, एक सेकंड जरा पढ़ लेता हूँ मैं, मैंने पॉइंट लिख रखे हाँ, क्लार्क ग्रेग जो कि एजेंट ऑफ द शील्ड में काम कर चुके हैं, आपको पता होगा उनका फाइनल सीजन आ रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू में कह सकते हो कि मतलब उन्हें पता तक नहीं था, उन्होंने ये रिवील कर दिया कि लोकी का सेकंड सीजन बनना है। जी हाँ, वैसे तो मे बी सबको पता है कि भाई मार्वल डिज्नी प्लस पर जितनी भी टीवी सीरीज आएंगी उन सबके सेकंड सीजन 2-3 तक, चौथे पार्ट तक तो बनेंगे बनेंगे। और अगर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात करें तो उसके 4 सीजन के पूरा प्रोजेक्ट है मार्वल के पास, ठीक है। तो लोकी का भी सेकंड सीजन उन्होंने खुद रिवील करा एक इंटरव्यू में। आप जाके गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी लिंक के वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पर पूरी डिटेल के बारे में बता रखा है, पर मैं आपको मे बी अपडेट बता रहा हूँ तो सिर्फ आप इससे ही संतुष्ट हो जाइए कि हमें लोकी का सेकंड सीजन भी देखने को मिलेगा। मिलेगा तो सभी का, पर कन्फर्म उसका हो चुका है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आ तो भी लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो स्पेसिफाइड मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।